शय नशीन पर तशरीफ फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत मध्य प्रदेश के कोर कमेटी के मेम्बरान सोहेल हाशमी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरहानपुर के जिला सदर एडवोकेट जहीरुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर इमरान हुसैन साहब, आसिफ साहब, दानिश साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हलक हाजा से आपके हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाब नफीस साहब शहनशीन पर तशरीफ फरमा। मजलिसी खायदीन वो जिम्मेदारान आज के जलसे में मौजूद बुरहानपुर के मेरे गय्यूर मुसलमानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का यह जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बुरहानपुर से बुरहानपुर के गय्यूर मुसलमानों की अक्सरियत को देखते हुए बुरहानपुर के पिछले इलेक्शन का जायजा लेते हुए बुरहानपुर के जिम्मेदारान की जानिब से आपके इत्तेहाद और आपके एतिमाद को हासिल करते हुए हलका हाजा बुरहानपुर से बैरसाउद्दीन ओवैसी साहब ने नफीस साहब को बड़ी उम्मीद के साथ में आपका उम्मीदवार बनाया है। इंतखाबात का वक्त है। बहुत सारी सियासी जमातें आपके दरमियान में आएगी। हर जमात अपने जलसों से मुखातिब करते हुए आपके अपने कीमती वोटों को हासिल करने के लिए अपने मंशूर को, जो रिवायती मंशूर है, वो लेकर आएगी। हर जमात का, हर सियासी पार्टी का मकसद होगा कि आपके वोटों को किस तरीके से हासिल कर अपने उम्मीदवार को ऐवान असेंबली की रुकनियत को देकर ऐवान असेंबली तक पहुंचाए। एक तरफ बीजेपी जैसी फिरका पर जमात भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी जानिब वो नकाब पोश जिसको बरसों से मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक वोट दे देकर इख्तदार की कुर्सियों पर आपने पहुंचाया, वो जमात का नाम वो धोखेबाज जमात कांग्रेस पार्टी है। यहां तकरीबन 12 से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक हमारे अपने भाई ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नफीस साहब की ताईद और हिमायत में ऐलान भी कर दिया। आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से आप
अपने आप के बुजुर्गों ने, यहां की नौनिहाल नस्ल ने अपने कीमती वोटों से अगर किसी को नवाजा तो कांग्रेस पार्टी को नवाजा। हर वक्त बीजेपी का सहारा लेकर, हर वक्त बीजेपी से मुसलमानों को डरा डरा कर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के वोटों को हासिल किया और फिर मध्य प्रदेश की असेंबली में अपने अराकीन को भेजा। बीजेपी का क्या कहना, वो बीजेपी पार्टी जिसने आपके मजहब पर हमला किया, आपके तशक्कुस को, आपकी शराख को खत्म करने की कोशिश की, जिसने शरीयत में मदाखलत की, 370 लाया तो तलाक के नाम पर हमारी शरीयत में मदाखलत की, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जो आपके दरमियान में आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे, तो आप उस वक्त कहना कि यही वो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी है जिसके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत से रंगे हुए हैं। वो बीजेपी पार्टी जिसने सैकड़ों नहीं बता बल्कि हजारों की तादाद में फिरका परस्ती का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों का कत्लेआम किया, गांव कशी के नाम पर, गाय के नाम पर हमको मारा गया, हमारा कत्ल हुआ, तो कभी दहशतगर्दी के नाम पर हमको मारा गया, तो कभी दीनी दरसगाहों के नाम पर हमको कत्ल किया गया, तो कभी नकाब के नाम पर हमसे ज्यादती की गई, तो कभी हमारे मुस्लिम नौजवानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा गया। भारतीय जनता पार्टी की तारीख है इस मुल्क में कि बीजेपी जो आरएसएस के इशारों पर चलती है वो संघ परिवार की कई एक संगठनाएं हैं। अगर जब मैं उसकी तस्वीर बताता चलूं तो शायद ये वक्त नाकाफी होगा। अभिनव भारत से लेकर राम सेना, हिंदू महासभा, ये सब के सब मिलकर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और ये जहरीली और फिरका परस्त जमात को अगर किसी ने पनपाया है, बड़ा किया है या दूध पिलाया है तो वो और कोई नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हर हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा किया, दगा किया और मुसलमानों के वोटों को हासिल किया। मुल्क की तारीख गवाह है मुसलमानों, मुल्क आजाद हुआ तो हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला लिया कि हम इस मुल्क में फिरका परस्त पार्टी बीजेपी का साथ नहीं देंगे बल्कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है उसका साथ देंगे। वो दिन था और आज का दिन है, उस दौर में हमने साथ दिया, जब नेहरू था तो उस वक्त भी साथ दिया, जब इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी हमने साथ दिया, जब राजीव गांधी था उस वक्त भी हमने साथ दिया, सोनिया थी तो जब भी साथ दिया, और आज राहुल है तब भी मुसलमान साथ दे रहा। लेकिन आप बताइए, इस मुल्क के इख्तदार में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी थी, बीजेपी थी या कांग्रेस थी? कांग्रेस पार्टी इस मुल्क के इख्तदार में सबसे ज्यादा रहने वाली, कई रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत थी तो फिर
भी कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन हासिल क्या हुआ आपको मालूम है? इसी कांग्रेस के दौर इख्तदार में सज्जन कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, महमूदुर रहमान कमेटी बनी, और इन तमाम की तमाम कमेटीज ने इस बात का इजहार किया और बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों पर रहने पर मजबूर अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। तालीमी पसमानदगी अगर किसी समाज में है तो मुसलमानों में है। तालीमी मैदान में हम पीछे, तिजारती मैदान में हम पीछे, हमको पढ़ने के मौके नहीं दिए जाते। क्या गलती थी इस मुल्क में? नेहरू से लेकर इंदिरा, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया, अरे इन सबको इख्तदार में लाने वाले आप हो, लेकिन ऐ मेरे बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों, बताओ आज तुम्हारे मुकद्दर में क्या आया? इख्तदार की कुर्सियों पे ये लोग बैठे, प्राइम मिनिस्टर इनका बना, वजीर आला वजीर आजम ये बने, इख्तदार पे ये लोग बैठे, मंत्री ये बने, तुम्हारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में आया पंचर का जोड़ना, हमारे हिस्से में आया तालीमी पसमानदगी, हमारे हिस्से में आई तो छोटे मोटे कारोबार आए। हां, बीजेपी से डराकर, दंगा फसाद करवाकर मुस्लिम बस्तियों को खाक के ढेर में तब्दील किया गया, इज्जतों को लूटा गया, असमतों से खिलवाड़ किया गया, और हमारे ही नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर अगर किसी के दौर इख्तदार में डाला गया तो यही कांग्रेस का दौर इख्तदार। कभी सीमी के नाम पर तो कभी फला के नाम पर तो कभी सफला के नाम पर, हमारे हिस्से में क्या आया? कोटा जैसा कानून हमको मिला, मकोका जैसा कानून हमको मिला, मीसा जैसा कानून हमको मिला, रासुका जैसा कानून हमको मिला, इख्तदार की कुर्सियों पर ये लोग बैठे, बताइए आज इस तारीखी सरजमीन के गयूर मुसलमानों जो इकबाल चौक पर आप लोग जमा हुए हैं, आप बताइए कि इंसाफ का तकाजा यह था? 230 असेंबली की यहां पर निशिस्ते हैं, 230 है, 230 यहां पर असेंबली की निशिस्ते हैं, 230 में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? मुसलमानों याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आई है तो यहां पर मजलिस के आने का मकसद यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुरहानपुर से मुसलमानों की एक आवाज को खड़ा करना चाहते। अरे हमको भी दी बोल रहे हैं, मजलिस को भी दी बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तादाद कितनी है? तकरीबन आज से 9% आप लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला मुसलमान आज से 9% है, और मुसलमानों को 230 सीटों में से सिर्फ 2 सीट मिलती है। क्या ये तुम्हें गवारा है? क्या ये तुम्हें मंजूर है? और दूसरा समाज यहां पर मध्य प्रदेश में एक जैन समाज है, जैनियों की तादाद यहां पर कितनी है? 0.91%, 1% भी नहीं है, और उनको टिकटें कितनी? 8 निशिस्तों पर जैनियों को जो 1% भी नहीं है, और जिनकी तादाद 8% है उनको कितने? सिर्फ 2 सीट। फिर हम बीजेपी की बीडी में, ये तो आपका सुरेंद्र सिंह है, आदत नबी
सुरेंद्र सिंह बहुत परेशान है, तड़प रहा है, बहुत बेचैन है इस इत्तेहाद के मुजाहिरों को देखकर। रात की नींद उसकी खराब हो चुकी है। अरे सुरेंद्र, अगर तू या तेरा भाई सांसद, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में जो फसाद हुआ था बुरहानपुर की सरजमीन पर, जिसके घर मोमिनपुरा में है, क्या उस फसाद में हमारे बुजुर्गों को नहीं मालूम कि उसका भाई जो सांसद है? था उस वक्त में, तो क्या उसने नहीं कहा था एम के निशाना लगाओ, एम को निशाना लगाओ? कहा था या नहीं कहा था? क्या सुरेंद्र के भतीजे ने मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं किया? ऐ कांग्रेस के जरखरीज गुलामों, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि सुरेंद्र, वो सुरेंद्र जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया, जिसके घर से गोलियां चली और गोलियां चलाते वक्त कहा कि इन पर निशाना लगाओ, आज तुम उसका साथ दे रहे हो? मैं सलाम करता हूं इकबाल चौक बुरहानपुर की इस तारीखी सरजमीन से कि ये जो मेरे भाई है, ये जो पार्षद है, 23 के 23 कांग्रेस के पार्षदों को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का साथ दिया, नफीस साहब का साथ दिया। मुसलमानों, होश के नाखून लो, आपकी तादाद कितनी है मेरे भाई? यहां पर तकरीबन 1,30,000 से ज्यादा आप लोग, और वोट कितने हैं जुमला वोट कितने हैं? 3,00,000 से कुछ कम वोट है, और वहां पर बंटवारा कितनों का है? कितनों का बंटवारा वहां पर? 3 तरफ 3, 13 का बंटवारा। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। कांग्रेस के गुलामों, क्या बुरहानपुर के मुसलमान इतनी बड़ी तादाद के रखने के बाद क्या तुमने यह सोच लिया था कि तुम जैसा कहोगे, जिसको खड़ा करोगे, मुसलमान उसको वोट दे देगा? अरे अगर तुम कांग्रेस वालों किसी मुसलमान को टिकट दे देते बुरहानपुर का, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं बैरसासुद्दीन ओवैसी साहब, यहां से किसी मुसलमान को मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कैंडिडेट बनाकर, उम्मीदवार बनाकर नहीं खड़ा करो। आज ऐलान, आज ऐलान कर दो, आज भी वक्त है, लेकिन नहीं करेंगे। ये लोग सब करेंगे, इनको सब चलेगा, लेकिन जहां मुसलमान की बात आती है, जहां मजलिस की बात आती है, तो मजलिस भी टीम। यही वो सुरेंद्र था जिसने सानहा में जो 18 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी के साथ चले गए, हुकूमत कांग्रेस की गिरी, बीजेपी की बनी, तो साथ में ये भी था। सब ये करेंगे और फिर बोलेंगे हम बीजेपी की मीटिंग में, ये सब करेंगे, बंदूक ये चलाएंगे, गोली ये चलाएंगे, हथियार बांटने की बात ये करेंगे, हथियार दशहरे में बांटने की बात किसने किया?
क्या उस वक्त सुरेंदर था या नहीं था? था या नहीं था? और फिर हमको बोल रहे बीजेपी वाले, अरे मेरा जमीर कहता है, मेरी आंखें देख रही है, इंशाअल्लाह ताला बुरहानपुर की सरजमीन पर नफीस साहब मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सब हलाली परचम को लहराते हुए असेंबली में बहुत हो गया मेरे भाई। अरे मैं जहां से आया हूं महाराष्ट्र से, हैदराबाद के बाद में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का बाबूद्दा किला नांदेड़ था। हमने जब मजलिस का काम शुरू किया तो हमको भी बहुत कहा गया वहां पर, जवान उस वक्त चीफ मिनिस्टर था, कई मरतबा जेलों में डाला गया जब हम अपने उम्मीदवारों को खड़ा किए, पार्षदों को खड़ा किए, उस वक्त भी एक ही बात कही गई कि बीजेपी की भी टीम है, इतने पैसे लेकर खड़ा कर दिए, उतने पैसे लेकर खड़ा कर। बताओ अगर इनके बातों में आकर नांदेड़ और महाराष्ट्र का मुसलमान अगर अमल करता तो क्या आज 250 से ज्यादा पार्षद महाराष्ट्र में है वो चुनकर आते, तो एमएलए है वो चुनकर आते, आज एक औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील साहब है क्या वो चुनकर आते, औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब ठहरे थे उस वक्त भी यही बात की गई कि ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी से ठहरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के मुसलमानों को सलाम है, उनके इत्तेहाद का ये पैगाम था कि औरंगाबाद की सरजमीन पर बरसों से शिवसेना आती थी लेकिन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सब फलानी परचम चुन कर दिया मुसलमान। अरे आज तो हम होश में आए हैं, मैं जहां से आया हूं महाराष्ट्र में बड़ा डरा हुआ सहमा हुआ मुसलमान था। पहले बहुत बोलते थे ठाकरे का नाम सुना है ना, ठाकरे का नाम सुना है, जब इनका बाप जिंदा था, बाल ठाकरे जब जिंदा था उस वक्त मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के 12 नशिस्तों पर कामयाबी हुई तो दशहरा मैदान में बाल ठाकरे ने कहा था ये कैसा चुनकर आए। पहले ठाकरे बोलता था, प्राची बोलती थी, तुगरिया बोलता था, सुदर्शन बोलता था, ये सब बोलते थे, लेकिन जब से महाराष्ट्र में दो दूल्हे भाइयों ने बोलना शुरू किया, अरे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर को भूल चुका था मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के स्टेजों पर अगर कोई आवाज आती है तो नौजवानों के हलक से एक आवाज निकलती है, नारे तकबीर अल्लाह। उनके जलसों में क्या होता, उनके जलसों में क्या होता, नारे लाते फोड़ते क्या क्या करते पता नहीं वो लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को अगर हिम्मत मिली है, मुसलमानों को इस्तकामत मिली है, मुसलमानों को कहीं से उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो हैदराबाद के दारुस्सलाम से असदुद्दीन ओवैसी को देखो। वरना तो जरा कुछ हुआ तो ये लोग घबराते थे, जरा कुछ हुआ अरे ऐसा मत करो और वैसा मत करो, ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा। और रही बात उन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लेकर नफीस साहब खड़े हुए हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम है, नफीस साहब ने कहा है कि जिनको कहना है आओ किसी मस्जिद में और खड़े रहकर कह दो, मैं भी कहने के लिए तैयार हूं कि मैं मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए खड़ा हूं। बताओ इनके झांसों में मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो देर ही से सही है लेकिन एक सही फैसला आप लोगों ने लिया।
अरे हैदराबाद की सरजमीन पर रहने बसने वाले उन गैयूर मुसलमानों को सलाम है कि मुल्क की आजादी के बाद सबसे पहला फैसला अगर सियासी जमात के बनाने का किसी ने लिया था तो हैदराबाद के मुसलमानों ने लिया था और केरला के मुसलमानों ने लिया। आज उसी का नतीजा है कि वो तेलंगाना जहां की जमात से आपकी वाबस्तगी है वो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी कर रही है। मावलिन सिंह कर गांधी परिवार बोलता, तलाक के मसले पर गांधी परिवार बोलता, हमारी शहरियत को खत्म करने की कोशिश की गई तो एनआरसी के बिल को किसने फाड़ा? तीन तलाक के मसले पर कौन बोला? हालिया दिनों में दो नौजवानों को कत्ल किया गया तो कौन बोला? अरे उतना ही नहीं है ऐ बुरहानपुर के गैयूर मुसलमानों, आपकी अपनी जमीन से लगकर शायद 60-70 किलोमीटर पर यहां पर एक गांव है खरगोन है, खरगोन में फसाद हुआ, खरगोन के उस फसाद सदगान को दारुसलाम हैदराबाद से 25,000 रुपए एक एक घर तक जो लोग मुतासिर थे फसाद के उन तक किसने पहुंचाया? क्या सुरेंद्र गया था वहां पे? सुरेंद्र गया था? क्या कांग्रेस के लोगों ने आवाज उठाई थी? कौन आवाज उठाया? सबसे पहले खरगोन के फसाद के लिए किसी के मुंह से जबान से आवाज निकलती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जबान से। खरगोन के मुसलमान बेचैन थे, परेशान थे, मैं खुद खरगोन गया तो इस तरीके से बैरिकेटिंग लगाकर डिटेंशन किया गया था मुसलमानों को। डर और खौफ का यह आलम था कि मुसलमान वहां पर इलेक्शन में सामने आने से खासी था, डर रहा था। लेकिन खरगोन के मुसलमानों को सलाम है, कई बच्चों को जेल में डालने के बावजूद भी खरगोन के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ देकर 3 पार्षदों को जिताया है। जहां से एक हमारी दलित बहन भी चुनकर आई है, याद रखो मेरे बुरहानपुर के गैयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। आपके पास सियासी अगर ताकत होगी, कुव्वत होगी तो आपके मसाइल हल होंगे। आपके पास सियासी ताकत और कुव्वत नहीं होगी तो आपके लिए लड़ने वाला कौन होगा, बोलने वाला कौन होगा, आपकी अपनी तकलीफ पर आपके अपने दर्द का एहसास रखने वाला कौन होगा? जो अपना होता है उसको तकलीफ होती है, जो अपना होता है उसको दर्द होता है। अरे देखो तो सही, ऐवान पार्लियामेंट में कितने हैं? सब तो मुसलमानों ने वोटों से नवाजा, सांसद बनाकर भेजा, लेकिन बोलने वाला एक ही है, एक ही मर्द मुजाहिद जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सबसे बड़ा मसला है वहां पर पावर लूम का है। पावर लूम जिससे कई मजदूरों की रोजी रोटी चलती है, उस पावर लूम का सबसे बड़ा मसला है जो यहां एक मशीन पर 800-700 रुपए बिजली का बिल आता है। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है? पावर लूम के मसले पर, तरक्याती कामों के मसले पर, इन तमाम कामों के लिए आप एक पार्षद को चुन के देते हैं, आप एक विधायक को चुन के देते हैं, आप एक सांसद को चुन के देते हैं ताकि आपके मसाइल की तर्जुमानी करते हुए आपके मसाइल को हल करें। लेकिन पावरलूम में मजदूर हैं, उन मजदूरों की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, बिजली का बिल इतना आता है कोई बोलने वाला नहीं। ये सुरेंद्र आपके पास, ये सुरेंद्र की शुगर फैक्ट्री भी है ना? शुगर फैक्ट्री है ना?
देश की। शुगर फैक्ट्री बनाया, कॉलेज बनाया, क्या क्या जमीना खरीदा, आपके वोटों की वजह से खरीदा। आप चुन के दिए शुगर फैक्ट्री डाला, आप चुन के दिए वहां पर कॉलेज डाला, आप चुन के दिए कई होटलों को तामीर किया, जायदादों को खरीदा, और आप कहां है? आपके आने वाली नस्ल कहां है? आपके इलाके कहां है? जो के तू है वो तरक्की पे तरक्की कर रहा है और आप तनजुल की तरफ है, आप नीचे धकेले जा रहे हैं। कौन कसूरवार? और जब हम आए हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से तो एक ही लखलखा है, एक ही इल्जाम है कि ये लोग बीजेपी की भी टीम है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। अरे खुदा की कसम, हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, रसूल अल्लाह की उम्मत है, और हमको दर्द और तकलीफ होती है कि जिस तरीके से हैदराबाद तेलंगाना का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान जुरात मंदी की जिंदगी गुजार रहा है, सर उठा के जी रहा है, किसी खाकी वर्दी वाले की हिम्मत नहीं होती कि किसी बेकसूर मुसलमान को। या तो मॉब लिंचिंग हो रही बोलने वाला नहीं है, ये हो रहा है बोलने वाला नहीं है, मुसलमानों को उठाकर मीसा में डाल रहे हैं और फिर एनएसए में डाल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। अरे अगर हिम्मत है तो हैदराबाद के किसी मुसलमान को उठाकर डालो। अरे आज किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है कि किसी बेकसूर मुसलमान को उठाकर। बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, तुम्हारे लिए आकर ठहरने वाले हैं। और यह सुरेंद्र जिसकी शुगर फैक्ट्री के अंदर अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उसको बंद कर दिया। बंद किया या नहीं किया? मस्जिद को ताला लगाया नहीं लगाया? इसके कॉलेज में कितने मुस्लिम हैं? इसकी फैक्ट्री में कितने मुसलमान हैं? अरे वो तो छोड़ो, मस्जिद को तो बंद कर दिया है, लेकिन जब मुसलमान नौजवान जुमा के दिन नमाज पढ़ना चाहता है कॉलेज में तो उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो बताओ तय्यूर मुसलमानों, बुरहानपुर के सरजमीन पर रहने बसने वालों, ऐसे फिरका परस को वोट देकर कामयाब करोगे या अपने भाई को कामयाब करोगे? उसके कॉलेज में पता है आपको। और एक बात क्या है, आज जो उसके हफारियां जो आपके गलियों में फिर रहे हैं, ये मुस्लिम गुलाम, ये जरफरीद गुलाम जो बेजमीन हो चुके हैं, उनसे पूछो कि आज उसके कॉलेज में जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं उन बच्चियों को हिजाब पर पाबंदी है। गलत कह रहा हूं मैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? और फिर हम ही फिरका परस्त है, और फिर हम ही बीजेपी की भी टीम है। ये पूरा का पूरा सुरेंद्र उसका परिवार दूध का भुला हुआ है। ये सब फिरका परस्ती के बुझावे करते हैं और हम पर इल्जाम देते हैं कि हमने ये किया और वो किया। आप बताइए, मुस्लिम इलाके आजाद नगर है, हमीदपुर है, वीरेंद्र कॉलोनी है, शिकारपुरा है, खैराती बाजार है, सिलमपुरा है, ये मुस्लिम इलाके है ना? मुस्लिम इलाके है ना? क्या यहां पर लाइट बराबर है? रास्ते बराबर है? पानी वक्त पे आता है? क्या यहाँ पर कचरा वक्त पे उठाया जाता है? क्या ड्रेनेज का, मोरियों का, नाली का सही इंतजाम है? क्या स्कूल है? क्या दवाखाने हैं? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, स्टडी सेंटर है? जब हम अपने इलाके में जाते हैं, आजाद नगर में, हमीदपुरा में, वीरेंद्र कॉलोनी में,
शिकारपुरा तो इन इलाके में जाते बराबर हमको महसूस होता है कि अपने और जहां पर इंदिरा कॉलोनी है, संजय नगर है, आदर्श कॉलोनी है, लालबाग है, वहां पर रास्ते भी है, वहां पर लाइट भी है, वहां पर रोशनी भी है, वहां पर कचरा भी उठाया जाता है, वहां पर स्कूल भी है, वहां पर दवाखाने भी है। और फिर हम फिरका परस्त है, हम बीजेपी की बीटी में हम पैसे भी हो रहे। याद रखो, आप बताओ फोपनार में बाढ़ आई थी ना फोपनार में, तो फोपनार ये सुरेंद्र गया था सुरेंद्र है कि दलिंदर है, क्या नाम है इसका, गया था क्या? लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात के नुमाइंदे गए थे, आपके अपने रुफा गए थे, जिम्मेदार गए थे, और वहां जाकर कपड़े दिए, खाना दिए, राशन दिए, पैसे दिए, जो कर सकते थे। कोरोना का वक्त आया, कोविड-19 में सब परेशान थे, दवाखानों को जाने के लिए, इलाज के लिए, अनाज के लिए, गिजा के लिए, तो कोविड में ये खुद घर के कोने में बैठकर बनाया और क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। क्वारंटाइन किया नहीं किया, कोरोना में एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि अपने हलके में आए, अपने लोगों को जिन्होंने आपको ओढ़ दिया है उनका दर्द सुने, उनको हॉस्पिटल या दवाखाने तक पहुंचाए, उनको अनाज मुहैया कराए, सरकार की बात को सुनते हुए उन तक तमाम स्कीम को पहुंचाए। ये एक विधायक की जिम्मेदारी होती नहीं होती है, लेकिन ये तुम्हारे दरमियान में तो नहीं आया, क्वारंटाइन होकर बैठ गया। बैठा नहीं बैठा। अरे कोरोना में क्वारंटाइन हुआ था ना, तो 17 तारीख को भी क्वारंटाइन कर हुआ। कोरोना में नहीं आया, खरगोन को नहीं गया, कॉलेज में मस्जिद है उसको बंद किया, हिजाब पर पाबंदी लगाई, जुमा की नमाज नहीं पढ़ने देता, भतीजे के हाथ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रिसालत में गुस्ताखी किया, दशहरे के मौके पर स्टेज पे बैठकर बोलने वाले की तारीफ किया हथियार बांटने के लिए, तो क्या ऐसे जालिम को, ऐसे धोखेबाज को, क्या मेरे अय्यूर मुसलमानों, क्या तुम लोग उसे ओढ़ दोगे या नकी साहब को ओढ़ दोगे? याद रखो, ये वक्त फिर कभी नहीं आने वाला है। ये जो सरों का समंदर है, ये जो आपका इतिहास है, ये बार बार मौका नहीं देता। अल्लाह अगर किसी कौम को नाराज ना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को होश में लाना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को इज्जत का मुकाम देना चाहता है, अल्लाह अगर किसी कौम को रास्ता बताना चाहता है, अल्लाह किसी कौम की आवाज को बुलंद करना चाहता है, तो अल्लाह की जानिब से मिन जानिब अल्लाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सरजमीन, वो सरजमीन है तो किसी अल्लाह वाले के नाम से रखी गई है। बुरहानपुर के गजूर मुसलमानों, आपकी बरसों की दुआएं 17 तारीख के दिन रंग आने वाली है, और यहां से आपकी इत्तेहाद का पैगाम पूरे मध्य प्रदेश में जाने वाला है। ना किसी के बातों में, अरे बहुत हो चुका है, अब तो होश के नाखून लो। कब तक आंसुओं से सिर्फ बेवाओं की तरह रोते रहोगे? याद रखो, जो कौम अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, वो कौम अपने मुस्तकबिल को नहीं संवारती। जो कौम
अपने माजी की गलतियों से सबक सीखती है, वो आने वाले मुस्तकबिल को सवार कर खड़ी रहती है, दानिशमंदी का सबूत देती है, होशमंदी का सबूत देती है। ये वक्त फिर नहीं आने वाला है। अरे अल्लाह तबारक ताला की जानिब से इन 23 जानो पाशरों के अंदर अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत को डाला, अल्लाह ने उनको इत्तेहाद की समझ दी। उसी का नतीजा है कि वो अपनी कुर्सियों को लात मार कर, अपनी मेंबरशिप को लात मार कर आज यहां पर इत्तेहाद के साथ खड़े हुए। मेरे भाई, मेरी आप तमाम से इल्तिजा है कि वक्त खड़े रहने का है। देखो तो सही कि आज हमारे लिए कौन चीखने वाला है, हमारे लिए कौन चिल्लाने वाला है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर संसद में नहीं होते, तलाक का बिल मालूम होता, एनआरसी का बिल मालूम होता, हाँ कितने ऐसे कानून बनते और खत्म हो जाते हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी जानिब से शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में खड़े रहकर मुसलमानों तक एक पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, हैदराबाद के मुसलमानों ने, औरंगाबाद के मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, वहां से उनको चुनकर भेजा, तो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये तारीख की सरजमीन आपको चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रही है, क्या तुम अपने आने वाली नस्ल को इन दरिंदों के हाथ में छोड़ दोगे? अरे कब तक तुम लोग अपने लोगों पे शक करोगे? मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार वो मुसलमान जो आज सुरंदर के साथ फिर रहे हैं, याद रखो ये भी एक तारीख बनेगी और तारीख में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। जिस दावों की फहरिस्त में होगे तुम लोग, मीर जाफर और मीर सादिक की फहरिस्त में होगे तुम लोग। आज बाशऊर एक बाहिम्मत कौम का जज्बा लेकर इन पार्षदों ने अपने आप को आगे किया, तो क्या उनको आप लोग मायूस करोगे? क्या इन पार्षदों को मायूस करोगे? क्या बीजेपी और सुरंदर के परिवार को हंसने का मौका दोगे? अगर नहीं दोगे तो उठो मेरे प्यारे मुसलमान, उठो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज सरजमीन फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में आपके उम्मीदवार ने जो कहा है, यकीनन वो सियासी तकरीर नहीं थी बल्कि उनके जिस दिल की जज्बात। कौन कहता है उन्हें? कौन कहता? सियासत में सिर्फ लोग स्टेज सजाकर वोटों को खरीद मांगते हैं, लेकिन आपके उम्मीदवार ने जिनको दीनी समझ है, सलाहियत है, खुदा का खौफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत से मोहब्बत है, आज यही आपके इकबाल चौक से सदा लगाकर कह रहा है कि फलस्तीन के मुसलमानों से मैं साथ हूं। कुर्बान जाए, आज बोलने वाले नहीं है। अरे इतना मौका दिया तो इतना बोल रहे हैं, इससे ज्यादा मौका दो फिर उसके बाद देखो। ये दरिंदा हो, जवान हो के तगड़िया हो, आपके रवान असम्बली में इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा आपका नफीस बोलेगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज वक्त और हालात कि आप लोग आप लोग मुत्तहिद हो जाओ, मुनज्जम हो जाओ। ये घर करीब गुलाम बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे उनका ना सुनो। आप इस दरमियान में आया हूं, इंशाअल्लाह ताला शेर हिंदुस्तान भी आपके दरमियान में आएगा, सभी आएंगे। लेकिन फिर से आपसे कहता हूं कि आप इस्तेहाद का दामन न छोड़ो। 17 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पे जाओ और जाकर पतंग का बटन इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ
कि ये दलिंगर अपने घर के बाहर ना निकले और क्वारंटाइन में बैठे। उस वक्त क्वारंटाइन में था तो अब नहीं रहेगा, जब हमको जरूरत थी तो तब आया आपके दरमियान में, हमको जब जरूरत थी तो तब नहीं आया। अब ऐसे बेकार का, ऐसे दलिंदर का अब हमको कोई काम है? अब काम है? इसलिए एक जोरदार नारा, ऐसा नारा दो, ऐसा नारा दो कि वो दलिंदर के घर तक की नारे की गूंज आए। नारे तकबीर।